हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरा न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं जो भी वीडियो में बताने जा रहा हूँ उसमें आपको रोलेट का ट्रिक में है ना 97% विनिंग चांस रहेगा। तो बिना देर करते हुए आपको स्टार्ट कर लेता हूँ, आपको कुछ भी लेट नहीं कराऊंगा। मेरा पास देख सकते हो $1400 है, तो 1400 है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। मैं डॉलर से खेल रहा हूँ, आप लोग रुपीज़ से खेलना। तो यहाँ पर स्प्लिट में लगाऊंगा और मैं डजन में लगाने वाला हूँ। तो पहले तो स्प्लिट में लगाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर स्प्लिट में लगाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर और एक स्पिन लगेगा, टोटल स्पिन में मेरा स्प्लिट बोल सकते हैं। स्प्लिट का मतलब दो नंबर कवर होता है, दो नंबर कवर करके यहाँ पर थर्ड डजन का मेरा कवर हुआ है। कितना? 5 स्प्लिट लग चुका है। तो यहाँ पर मेरे को अब यहाँ पर लगाना पड़ेगा ₹50 फर्स्ट एंड सेकंड डजन में, एंड 60 रुपीज़ फर्स्ट एंड सेकंड डजन में। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस का बात करते हैं। फर्स्ट डजन सेकंड डजन में हिट होगा तो हमारे को 1 यूनिट प्रॉफिट, और स्प्लिट में हिट होगा तो भी हमारे को 1 यूनिट प्रॉफिट। लॉस का बात करते हैं 0, 00, 32, 35। लॉस रिकवर कैसे करना है उसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, 180 मेरे को $10 का प्रॉफिट हुआ है। तो रिबेट मेरा टारगेट रहेगा $100, ठीक है। टारगेट लेके खेलना पड़ेगा, 1400 है तो मैं $100 का टारगेट लूँगा, यानी कि 10 स्पिन। ओके, 10 स्पिन प्रॉफिट का मेरा टारगेट है। ओके, नंबर 15, अगेन $10 प्रॉफिट, टोटल $30 का मेरा प्रॉफिट हो चुका है अभी तक। और एक बार खेलते हैं, ये अमेरिकन रोलेट है, ठीक है। ओके, अगेन मेरे को प्रॉफिट मिला है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो मेरे को $10 का अगेन प्रॉफिट। तो इसको मैं रिबेट करूँगा फिर से। तो यहाँ पर 29 आने के बाद फिर से मेरे को स्प्लिट बेट हुआ, स्प्लिट में मेरे को सेम प्रॉफिट। ओके, तो नंबर 12 लाने के बाद अगेन प्रॉफिट हुआ है। तो इसको करते हैं फिर से रिबेट। टारगेट मिला $100 का है, तो जब टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको निकल जाना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा खेलता हूँ। तो अगेन मेरे को प्रॉफिट हुआ है, देख सकते हो $70 का प्रॉफिट हुआ है। आप लोग इसको ₹70 भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर आसानी से मैं यहाँ पर प्रॉफिट कर रहा हूँ $100। ओनली $1000 है, यानी कि ₹1000 है तो भी आप लोग इसमें प्रॉफिट कर सकते हो। पहले तो यहाँ पर मैं गेम खेल रहा हूँ, देखना, ध्यान से देखना। ओनली $1400 से मैं यहाँ पर $100 कंप्लीट कर दूँगा। आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन लॉस होगा तो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे को एक बार भी लॉस नहीं हुआ, मेरा $100 कंप्लीट होने वाला है। ओके, अगर खेलते खेलते आपका ऐसा होगा तो अच्छी बात है, $100 प्रॉफिट करने के बाद निकल जाना। अगर लॉस होता है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए। लेकिन यहाँ पर देखो, मेरा एक बार भी लॉस नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा आपके साथ भी होता होगा, जो टारगेट लेते हो वो आपको बिना लॉस हुए कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर 1500 मेरा हो चुका है, यानी कि 1400 था मेरा, $100 प्रॉफिट हो चुका है, मेरा टारगेट कंप्लीट। तो मैं चाहूँ तो गेम क्लोज कर सकता हूँ, वीडियो को बंद कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं ओनली प्रॉफिट दिखाऊँ। इसमें आपको लॉस भी दिखाना चाहिए, प्रॉफिट भी दिखाना चाहिए, तभी आप लोग समझ पाओगे। तो मैं थोड़ा और खेल लेता हूँ, जब तक मेरा लॉस नहीं हो जाता है तब तक मैं खेलूँगा। क्योंकि आपको भी यहाँ पर
कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए ना, वाले आपको वीडियो देखने से क्या मिलेगा, ऐसा तो बच्चा भी प्रॉफिट कर लेगा। ये जो मैं बताऊंगा वो तो आप लोग भी गेम लगा के ऐसे बेट लगा के बच्चा भी प्रॉफिट कर सकता है, लेकिन मेन क्या है वही दिखाना ज़रूरी है। अगर लॉस होता है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डबल करना है, ट्रिपल करना है, चौबल करना है, पचबल करना है, 10 गुना करना है, क्या करना है वो भी बताना ज़रूरी है ना, नहीं तो आप लोग लॉस हो जाएगा बाई चांस, तो आप क्या करोगे। इसके लिए मैं यहाँ पर लॉस दिखाऊंगा आपको और प्रॉफिट भी दिखाऊंगा, लेकिन अगर 10 मिनट के अंदर मैं इंतज़ार करूंगा, अगर मेरा रेगुलर प्रॉफिट होगा तो आप लोग समझ जाना कि इतना ख़तरनाक ट्रिक है। अगर लॉस नहीं होता है 10 मिनट के अंदर में भी, तो मैं आपको यहाँ पर ऐसे ही बोल के आपको सिखाऊंगा और आप लोग समझ जाना। अगर नहीं समझे तो कमेंट कर देना दोस्तों, दूसरा वीडियो में ला सकता हूँ, लेकिन अभी वीडियो ज़रूर देखो ठीक है। ओके 29, तो अगेन प्रॉफिट ट्यूबेल इट हुआ क्या। तो देखो दोस्तों अभी एक बार मैं यहाँ पर लॉस होने का इंतज़ार करता हूँ ठीक है, ओनली मैं बैठने लगाऊंगा, रिक्स लेना ज़रूरी नहीं है मेरा। तो देखो मैं लगाया होता तो मेरा लॉस होता, तो अभी इसको मैं मानता हूँ कि मेरा लॉस हुआ ठीक है। तो यहाँ पर मेरा लॉस हो गया, कितना जितना भी मेरा बेट था पूरा लॉस हो गया। तो आपको रिबेट करना है, ध्यान से देखो दोस्तों, रिबेट करना है और डबल करना है, रिबेट करना है एंड डबल भी कर सकते हो आप लोग। ओके यहाँ पर देखो $360 प्रॉफिट, तो एक बार में हमारे को प्रॉफिट हुआ, तो रिबेट एंड इसको फिर से स्पिन। एक ही बार डबल करना है जब तक आपका लॉस रिकवर नहीं हो जाता है। देखो दो बार हिट हुआ, दो बार मेरा कितना कितना हिट हुआ है आप लोग देख सकते हो। तो इसको रिबेट करते हैं, 20 रुपीज़ करके मेरा रिकवर हुआ है, यानी कि दो बार $40 का रिकवर हो चुका है, यानी कि मेरा जितना भी लॉस हुआ था वो धीरे धीरे करके प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पर 3 स्पिन प्रॉफिट, ओके कैलकुलेट कर लेना, 1, 2, 3, 4 स्पिन मेरा प्रॉफिट हो चुका है। तो फिर से अगेन रिबेट। अच्छा 1, 2, 3, 4 स्पिन प्रॉफिट हो गया ना, तो मेरे को रिकवर हो चुका है। तो फाइनली ऐसा करके आपको गेम प्ले करना है और रिकवर करना है। तो देखो मेरा कितना था, 1630 हो चुका है, यानी कि मैं आपको सिखा रहा हूँ फिर भी मेरा प्रॉफिट हो रहा है। तो अब जब आपका लॉस रिकवर हो जाता है ना, तो आपको ये गलती करते हो कि आप लोग रिबेट करते हो, नहीं दोस्तों रिबेट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको उसी अमाउंट से गेम प्ले करना है जो आपका फर्स्ट अमाउंट होता है, यानी कि यहाँ पर मेरा फर्स्ट बेट होता है। चलो मैं यहाँ पर बेट भी लगा देता हूँ आपके सामने, आप लोग भी सेम बेट लगाना है ठीक है। अब मैं यहाँ पर बेट को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, कैसे भी करके आपका स्प्लिट हिट स्प्लिट में लगना चाहिए ठीक है। अरे भाई देखो मेरा स्प्लिट में लग चुका, इस बारे मेरा 31 एंड 32, दो मेरा को क्या बोलते दो बेट, दो में मेरा बेट नहीं है। तो यहाँ पर 60-60 लगाना चाहिए, डजन में सेम अमाउंट होना चाहिए 60-60, और जो स्प्लिट है स्प्लिट में आपको 10-10 रुपीज़ करके होना चाहिए, किसी में भी हो सकता है लेकिन 5 स्प्लिट होना चाहिए। ओके देखो कैसे भी लगाऊं मेरा प्रॉफिट होने वाला है, तो मेरे को पता है, रिबेट करूंगा फिर से देखूंगा ठीक है। मैंने आपको बता दिया जब लॉस होता है ना तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अमाउंट को डबल करके खेलना है। जब आपका लॉस रिकवर हो जाएगा तो आपको फिर से रिबेट नहीं करना, ये गलती हर कोई करता है, मैं भी करता था, मैं भी कभी कभी कर लेता हूँ ठीक है। मेरे को पता है मैं लॉस करूँगा फिर भी मैं गलती कर लेता हूँ, क्योंकि लालच आता है भाई, ऐसा लालच आता है कि हमारे को लगता है कि अब मेरे को प्रॉफिट तो होने वाला है, तो मैं इसको रिपीट करके क्यों ना ज़्यादा प्रॉफिट लूँ। ऐसा सोचने से क्या होता है कि उसी टाइम में लॉस नंबर आ जाता है, तो हम लोग लॉस कर लेते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको एक रूल्स बनाना होगा, लॉस रिकवर होते ही आपको फर्स्ट अमाउंट से गेम प्ले करना है।
तो फाइनली गाइस यहाँ पर देख सकते हो मेरा पास 1660 डॉलर हो चुका है, यानी कि जितना भी मेरे को लॉस हुआ था पूरा रिकवर हो चुका है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। क्योंकि मेरा लॉस नहीं हुआ था, आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया था कि मेरा लॉस हुआ है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो में आप लोग को ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करो। अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को बैक करके देख सकते हो। अगर उससे भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर कर देना, इसका वीडियो ज़रूर आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।